राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के आंचल मदर मिल्क बैंक में चल रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत गुरुवार को तीसरे दिन के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर एमएस चांदावत, नर्सिंग अधीक्षक सुदर्शना रजनी बाकोलिया तथा मदर मिल्क बैंक मैनेजर निशा भाटी ने भगवान गणपति की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के शुभारंभ में नर्सिंग अधीक्षक सुदर्शना ने बताया कि स्तनपान शिशु का अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक शिशु को मां का दूध उपलब्ध रहे। इसी क्रम में डॉक्टर एम एस चांदावत ने कम्युनिटी में भी स्तनपान प्रोग्राम से होने वाले अच्छे परिवर्तनों की होने वाली जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित स्टाफ तथा मिल्क बैंक स्टाफ सहित अन्य को दुग्धपान करवाने वाली माताओं की काउंसलिंग करने के गुर सिखाए। इस दौरान नर्सिंग छात्राओं को मदर मिल्क बैंक के पाश्चराइजेशन प्रोसेसिंग व काउंसलिंग मिल्क इशू के बारे में जानकारी दी गई। स्तनपान सप्ताह के दौरान गुरुवार को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सिंग छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर एम एस चांदावत, पार्वती, रजनी बाकोलिया, सरोजना, सुदर्शना, सिस्टर बीना जयकम, नर्सिंग अधीक्षक हनुमान नामा, गगन अरोड़ा, नितेशा भाटी, पूनम यादव तथा आशा वर्मा आदि उपस्थित थे। मदर मिल्क बैंक पोस्ट नेटल वार्ड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें आज क्विज कंपटीशन रखा गया, जिसमें विभिन्न नर्सिंग स्कूल और एनएम ट्रेनिंग स्कूल के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। उनको ब्रेस्ट फीडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, उनका उन्होंने आंसर क्विज में आंसर दिए। उनको जो भी बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। एवं पोस्ट नेटल वार्ड में ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका माँ को सिखाया गया, कैसे उसको सपोर्ट किया जाता है, कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, क्या देना, प्री लैक्टेस नहीं देने चाहिए, गुटी नहीं देनी चाहिए, जन्म के तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग और कोलेस्ट्रॉम जो होता है, जो गाढ़ा मिल्क, वो बच्चे के लिए बहुत ही अमृत होता है, उसको फेंके नहीं और पिलाने के लिए उनको सेंसिटाइज किया गया। ब्रेस्ट पूरे हफ्ते जो 1 से 7 अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग वीक चलेगा, उसमें हम सारी पब्लिक को, मदर्स को, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, ये डिलीवरी पॉइंट है, पोस्ट नेटल वार्ड है, SNCU है, वहाँ जो उपस्थित माताएं हैं उनको सेंसिटाइज करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग को करें। 2 साल तक अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, 6 महीने तक एक्सक्लूसिव और 6 महीने बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फूड के साथ साथ।